डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 10। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, यानी रोम्बस का एरिया हमें डिटरमाइन करना है। अगर उसके वर्टिसेस, जो चार वर्टिसेस हैं, वो दे रखे हैं टेकन इन ऑर्डर, और एरिया ऑफ रोम्बस हमें दे रखा है कितना होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी विकर्ण जो होते हैं उनका गुणनफल। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस है एग्जाम में गिवन नहीं होगा, तो हमें ध्यान रखना है कि रोम्बस का जो एरिया होता है वो उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोम्बस ड्रॉ करते हैं। उस रोम्बस के अंदर ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल पॉइंट मार्क कर देते हैं ए बी सी और डी, और वैल्यू क्या दे रखी है, 3.0, 4.5, -1.4 और -2.-1, ये चार वैल्यू में गिवन है। तो क्या लिख देंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर गिवन एज, क्या दिया हुआ है, 3.0, 4.5, -1.4 एंड -2.-1। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले हमें डायगोनल की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास दो डायगोनल है, यानी दो विकर्ण है इस क्वेश्चन में। टू डायगोनल्स कौन से हैं, एक तो है ए सी और एक है हमारे पास बी डी। तो अब जब हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं और ऑब्वियस हमें ए सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो हम क्या लगा सकते हैं, टू पॉइंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला। तो टू पॉइंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम ए सी की बात करें तो x1, y1 वो हमारे पास हो जाएंगे 3.0, जो कि पॉइंट ए के लिए है, और पॉइंट सी के लिए हम लेट कर लेंगे x2, y2, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, -1.4। तो अब हम इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1, यानी -1 पहले लिखेंगे, फिर माइनस साइन, और फिर x1 की वैल्यू 3 है तो ऑब्वियस है प्लस माइनस माइनस रहेगा का स्क्वायर, फिर 4 - 0 का स्क्वायर। तो हम ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, -4 - 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 16, यानी अंडर रूट में हमारे पास क्या मिलेगा, 16 + 16, यानी अंडर रूट ऑफ 32। सिमिलरली अगर हम सेकंड डायगोनल की बात करते हैं, दैट इज बी डी, तो उसके लिए फिर से x1 y1 को लेट कर लेते हैं हम, 4.5 जो कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2, उसको हम लेट कर लेते हैं -2 - 1। तो अब हम फिर से बी डी के लिए अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 यानी कितना है, -2 - 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है, -1 - 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 - 4 और 2 कितना होता है, 6 - 6 का स्क्वायर 36, ये भी 36, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 72। तो अब हमारे पास एरिया जो हम निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ जो कि है विकर्णों का, अंडर रूट ऑफ 32 इंटू अंडर रूट ऑफ 72। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 32 को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं, और अंडर रूट ऑफ अगर हम इसको लिखना चाहें 72 को, तो हम 36 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि हम फर्दर सॉल्व कर सकें। तो अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4, ये रह जाएगा √2, ये हो जाएगा 6, ये रह जाएगा √2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 × 6 × 4 कितना होता है, 24, और √2 × √2 कितना होता है, 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 24 और स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर जो कि वैल्यू हमें दे रखी होगी, अगर ये वैल्यू मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर हम मेंशन कर देते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।